समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को बेतियाहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक का संचालन जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। इस संबंध में सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि बैठक में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक विधान परिषद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश यादव को जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटने पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विधानसभा वार बूथ कमेटियों के गठन पर चर्चा हुई। मासिक बैठक में प्रमुख रूप से डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, रजनीश यादव, मुन्नीलाल यादव, मिर्जा कदीर बेग, जयप्रकाश यादव, जितेंद्र सिंह, दूधनाथ मौर्य, रामनाथ यादव, कालीशंकर, राघवेंद्र तिवारी उर्फ राजू, राहुल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, भाई सभी कुरैशी साहब, आदरणीय गुजरा देवी जी, पार्टी की जिले जो संदीप तिवारी जी गोरखपुर है, पहला एजेंडा है। दूसरा है एक मुद्दा यदि है समाजवादी पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता प्रक्रिया में है तो किसी भी हालत में 10 दिन के अंदर कमेटियों को आपको मिला कार्य। समाजवादी पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर महीने के प्रथम शनिवार को हमेशा हमारी मासिक बैठक जिले की होती है, जिसमें जिला कार्यकारी के पदाधिकारी होते हैं, जिले के प्रमुख और वरिष्ठ नेता होते हैं, जिनकी उपस्थिति में हम मासिक बैठक संपन्न करते हैं। हम लोग गोरखपुर से अपने प्रत्याशी जो हमारे शिक्षक MLC प्रत्याशी अवधेश यादव जी हैं, उनको जिताने के लिए भी हम एक रणनीति बना रहे हैं और पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम एक चुनाव संचालन समिति का गठन करेंगे, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनाएंगे और हर हाल में गोरखपुर से हम उनको जिताने में सफल हो पाएंगे, ऐसी रणनीति हम लोग बनाने के लिए आज मीटिंग कर रहे हैं।